फाइनली ढूंढ ही लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कक्षा 8 विज्ञान और इसके हम महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर कर रहे हैं। आज की इस वीडियो के अंदर आपको पाठ 16 और पाठ 17 के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर बताए जाएंगे। चलो शुरू करते हैं। मैं हूँ अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। और एक चीज़ बता देता हूँ, ये हरियाणा वाले विद्यार्थियों के लिए है सिर्फ क्वेश्चन आंसर, बाकी के लिए नहीं है। अलग जो बोर्ड्स होते हैं तो उनका अलग अलग पैटर्न रहता है। अभी फिलहाल हम हरियाणा वालों के लिए ये प्रश्न उत्तर आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ पे प्रश्न 1 आ रहा है हमारे पास में, नियमित तथा विसरित परावर्तन में अंतर बताइए। क्या विसरित परावर्तन का अर्थ है कि परावर्तन के नियम विफल हो गए हैं? पहले देखो, ये क्वेश्चन समझने से पहले हमें ये दूसरा क्वेश्चन समझना होगा, ये परावर्तन के नियम कौन से हैं। उस क्वेश्चन को समझाऊंगा बाद में, पहले ये समझते हैं। परावर्तन के दो नियम होते हैं। सबसे पहले आपको समझाते हैं इस डायग्राम के थ्रू। जैसे यहाँ से मान के चलो, यहाँ से कोई किरण आ रही है प्रकाश की, और ये है हमारे पीछे ये जो लगा रखे डंडे से, ये है दर्पण। और यहाँ से जो प्रकाश की किरण जैसे ही दर्पण के ऊपर पड़ती है तो ये परावर्तित हो जाती है। तो जब ये परावर्तन होगा तो ये उस समय अगर आप दर्पण से लेके 90 डिग्री का कोण बनाते हो, यहाँ से नहीं, दर्पण से 90 डिग्री का अभिलंब वाला कोण बनाते हो बीचों बीच, तो उस समय कोण आई और कोण आर बराबर होते हैं। ये दोनों कोण, आपतित कोण और परावर्तन कोण, ये दोनों कोण बराबर होंगे। उसके अलावा एक रूल इनका ये है कि ये जो किरण है ये दर्पण के इस तरफ नहीं जाती, पीछे नहीं निकलती ना, मतलब यहीं से वापस चली जाती है। अभिलंब बना रहे वो भी इसी साइड बन रहा है। तो यहाँ पे बात ये आती है, आपतन कोण, परावर्तन कोण, अभिलंब, आपतित किरण, परावर्तित किरण, सब कुछ एक ही तल में होते हैं, मतलब एक ही साइड में होते हैं। ये मैंने रूल्स जो है लिखे हुए भी हैं, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये सदैव है, ऑलवेज, ये कभी गलत नहीं होगा। एंगल आई एंगल आर के बराबर हमेशा होगा। आपतित किरण, आपतन बिंदु, अभिलंब, जो भी कुछ याद आ रहा है आपको सब कुछ लिख देना, सब एक तल में होते हैं। अब समझते हैं, देखो ये है परावर्तन का नियम, मतलब दर्पण से परावर्तन होगा उसी साइड में। अब इसी को लेके जो है यहाँ पे पूछ रहे हैं, नियमित और विसरित परावर्तन के बीच में अंतर बताइए। क्या विसरित परावर्तन का अर्थ है कि परावर्तन के नियम विफल हो गए हैं? तो नियमित परावर्तन क्या होता है, जैसे ये परावर्तन है, एक किरण आ रही है, इसी के साथ दूसरी यहाँ से किरण आ यहाँ से चली जाए, तो वो होता है नियमित परावर्तन। बुक के अंदर बकायदा डायग्राम भी दे रखे हैं आपको। अब यहाँ पे विसरित परावर्तन क्या होता है, जैसे ये दर्पण ऐसा स्मूथ नहीं है, बिल्कुल एक लेवल का नहीं है, ये उबड़ खाबड़ सा है, तो इस पे जो परावर्तन होगा वो होगा विसरित परावर्तन। लेकिन ये बोल रहे थे, पूछ रहे थे हमसे कि क्या इसका मतलब विसरित परावर्तन का अर्थ है कि नियम विफल हो गया है। तो ऐसा तो नहीं होता कि जो नियम है हमारे वो विफल हो जाए। अगर आपका जहाँ पे से ये कोण बन रहा है अभिलंब वाला, मतलब जो पॉइंट निकल रहा है उसी को देख के आपको जो है एंगल बनाने पड़ते हैं पूरे, तो वो बिल्कुल सही रहता है, कोण आर कोण आई ये दोनों बराबर होते हैं। तो इसका मतलब जो है ये परावर्तन के नियम विसरित परावर्तन के अंदर भी विफल नहीं होते। अब देखो ये वाला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है हरियाणा वालों के। अब इसमें पूछा क्या है, मानव नेत्र का चित्र बनाइए और उसके अंगों का वर्णन कीजिए। अब ये तो हो गए कुछ अंग, लेकिन आपको अंग तो रटने पड़ेंगे और ऐसे रटने में मजा नहीं आता ना, आपको भी पता है, मेरे को तो पता ही है। अब हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि आखिरकार ये काम कैसे करती है, हमारी प्यारी अखियां कैसे काम करती है। ये डायग्राम जो आपकी बुक के अंदर नहीं दे रखा है, मैंने अपने पास से बनाया है कस्टम, मतलब बहुत ही मस्त वाला आपको समझाने के लिए। अभी ये देखो, ये होती है हमारी आंख, दिख रही होगी। अब जो है ये है हमारी आंख अंदर से, हम जो बाहर ये देख रहे हैं ना, सफेद सा हिस्सा जो दिख रहा है आपको, ये होता है सिर्फ इतने वाला, इससे बाहर का इस साइड वाला, ये वाला हिस्सा होता है बस ये। और इसके जो अंदर देखो कितनी बड़ी आंख होती है हमारी, तो ये जो अंदर का जो भी पूरा सीन है वो हमें दिखाई नहीं देता है। यहाँ पे आंख के अंदर पहले सबसे बाहरी जो परत होती है उसको बोलते हैं कॉर्निया, जो कि एक सफेद हिस्सा होता है आंख का, ये वाला। और ये सिर्फ सील्ड होती है एक तरीके से, मतलब सुरक्षा प्रदान करती है, अंदरूनी जितने अंग हैं आंख के तो उनको सुरक्षा देने का काम करती है। उसके बाद में दूसरा आता है परितारिका, ये जो नीला सा दिख रहा है आपको, ये होती है परितारिका, यानी कि ये वाला हिस्सा जो नीला है यहाँ पे, हालांकि कुछ का काला भी होता है, वो डिपेंड करता है, अपने जाल इसी देखी होगी इसके अंदर, अगर कभी आंखों को गौर से घूरा हो किसी की तो आपको पता होगा यहाँ पे जाली से टाइप के, मतलब अजीब सी आकृति देखने को मिलती है।
तो वो ये है जिसको हम परितारिका बोलते हैं। इसके अंदर ये जो बीच में काला बिंदु देख रहे हो आप, ये होता ही है पुतली, जो कि बहुत ही अहम रोल प्ले करती है, क्योंकि यही ये डिसाइड करेगी कि जो हमारी आंख है वो सही है खराब है, प्रकाश कितना भेजना है कितना नहीं भेजना है, वो सारी चीजें इसी के ऊपर डिपेंड करती है। उसके अंदर जो है पुतली के अंदर होता है हमारा लेंस। लेंस का काम क्या होता है? लेंस जो है प्रकाश की किरणें जो भी आती है उनको इकट्ठी करता है और रेटिना तक पहुंचाता है। रेटिना ये जो पीछे जो आप देख रहे हो ब्राउन कलर में, तो ये पूरा रेटिना होता है हमारे पास में और इस तक पहुंचाने का काम होता है। अगर लेंस पे से जो जो प्रकाश की किरणें हैं वो इकट्ठा हो रही हैं और वो आगे या पीछे चले जाते हैं, तो हमें चश्मे लगवाने पड़ते हैं, यानी आंखें हमारी खराब हो जाती है। तो नेचुरली तो हमारी आंखें जो है रेटिना तक पहुंचाती है, लेकिन अगर खराब हो जाए यहाँ पे लेंस आपका हिल डुल जाए, और हिलता क्यों है? पक्षमावा पेशी का काम होता है यहाँ पे। पक्षमावा पेशी लेंस को संतुलित करने का काम करती है कि टेढ़ा मेढ़ा ना हो जाए लेंस। अब जो है हो सकता है यार कभी कभी किसी की पक्षमावा पेशी कमजोर हो जाए तो ये हिल जाता है, और जिसकी वजह से आपको बाहर चश्मे लगाने पड़ते हैं। फिर अब जो है सारा कुछ तो आपने मिल गया, सिग्नल विग्नल मिल गया, फोटो मिल गया, अब उसको पता कैसे चलेगा आपके दिमाग को कि आपने देखा क्या है? कई बार होता है हमारे साथ में कि हम कुछ चीज देख रहे होते लेकिन हमें खुद पता नहीं होता हम देख क्या रहे हैं। तो वो जो है आपकी जो तंत्रिका, प्रकाशिक तंत्रिका या फिर बोले तो तंत्रिका तंत्र का कार्य होता है पूरा, कि क्या भेजना है दिमाग को, क्या बताना है, वो सारी चीजें आपका तंत्रिका तंत्र बताएगा कि हाँ ये बताना है, दिमाग को बता दे कि ऐसा ऐसा कुछ है, आपको पता लग गया है, और फिर दिमाग उसको सोच के बताता है। अब यहाँ पे इनको पढ़ लेते हैं, सारी चीजें समझ में तो आ गई होंगी आपको एटलीस्ट। अब जो है यहाँ पे लेंस को देखते हैं। लेंस ये वाला हिस्सा, इसका काम क्या होता है? छोटा सा काम होता है कि किरणों को रेटिना तक पहुंचाने का काम करता है। अब रेटिना क्या होता है? ये वाला रेटिना, ये हमारी जो है फोटो वोटो लेता, सारा काम रेटिना के ऊपर ही होता है। यह हमें किसी वस्तु के आकार आकृति को देखने में मदद करता है। जब लेंस प्रकाश की किरणों को केंद्रित करके रेटिना तक पहुंचाता है तो रेटिना उसे तंत्रिका तंत्र के द्वारा हमारे मस्तिष्क तक भेजता है। अगला आता है इसमें पक्षमावा पेशी, ये वाली पेशी जो इसका काम क्या होता है बताया था मैंने, यह लेंस को संतुलित रखने का काम करती है। पुतली, पुतली होती है ये। अब हाँ एक चीज बताने भूल गया मैं आपको, ये जो पुतली होती है जब आपने कभी देखा होगा डॉक्टर, मतलब आप बेहोश पड़े हुए डॉक्टर आंख खोलता है उसमें टॉर्च लाइट मारता है, आपने बहुत सारी फिल्मों में देखा होगा, असल जिंदगी में शायद ना भी देखा हो, फिल्मों में देखा होगा। तो वो ऐसा करता क्यों है? पुतली जो है ये बताती है कि क्या हमारा जो शरीर है वो चल रहा है या नहीं चल रहा है या फिर खत्म हो गया है, तो इससे भी पता लगाया जाता है जल्दी से। मतलब क्या होता है जब लाइट पड़ती है बहुत ज्यादा तो ये जो पुतली है छोटी बड़ी होती रहती है, इसका जो साइज है ना ये जो गोल घेरा है हमारा ये छोटा बड़ा होता है। अगर बाहर अंधेरा है तो ये बड़ा हो जाएगा ताकि अंदर जो है प्रकाश की किरणें जा सके, और अगर ज्यादा आ गया प्रकाश बाहर से तो ये छोटा हो जाएगा ताकि प्रकाश की किरणें ज्यादा ना घुस पाए और आंख का जो ये खून भरा हुआ आपका नशे वसे ये टूट ना जाए। तो ये काम होता है। तो पुतली यह हमारी आंख में आने वाली रोशनी को नियंत्रित करता है। कम प्रकाश में पुतली बड़ी हो जाती है और अधिक प्रकाश में छोटी हो जाती है ताकि आंख को कोई हानि ना पहुंचे। अब आती है बात कॉर्निया की, मतलब ये सफेद वाला हिस्सा, ये सब बाहरी सफेद हिस्सा होता है। यह हमारी आंख को बाहरी वातावरण से सुरक्षित रखने का कार्य करता है। अब आप सीधे तरीके से ये समझो, वैसे जो कॉर्निया है वो बहुत ही अहम रोल प्ले करता है, जो भी कचरा होता है धूल होती है गैसें होती है वो सबसे सुरक्षा प्रदान करता है हमारे अंदर की जो भी आंख के पोर्शन उनको। और सीधे ऐसे याद रख सकते हो कि ये मच्छर रोकने की जाली लगा रखी है, मच्छर रुक जाएंगे इससे। चलो बाय द वे ये तो था एक मजाक, बट हाँ ये रोकता भी है आपकी आंख में घुस जाता है, परेशान करता है, तो उससे आपका लेंस वेंस खराब ना हो जाए, तो इसलिए सुरक्षा देता है। अब देखते हैं अगला पार्ट, पार्ट नंबर 17 के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। इसमें भी बहुत ही लिमिटेड प्रश्न है। पहला प्रश्न है तारामंडल क्या होता है? दो तारामंडलों के नाम बताइए। तारामंडल होता है तारों के समूह को हम तारामंडल बोलते हैं, लेकिन हर तारों के समूह को तारे ही तारे आसमान में क्या ही समूह बनाए उनका, तो जो हमने मतलब कुछ बना दिया कि हाँ ये फोटो ऐसा, ये 7 तारे मिला दिए, ये 5 मिला दिए, कुछ बना रहे हैं हम अपने मन मर्जी से, तो जो पहचाने जो जाने योग्य आकृतियां होती है उन तारों के समूह को ही हम तारामंडल बोलते हैं, जैसे सप्तर्षि, ओरायन। अगला प्रश्न आता है चंद्रमा की कलाओं के बारे में बताइए। चंद्रमा आपने देखा तो है ही, वो उस चीज को पृथ्वी का चक्कर लगा रहा होता है, रात को आता है। अब जो है वो अपना पूरा एक चक्कर पृथ्वी का वो 29.3 दिन में पूरा करता है,
तो हम ऐसे कौन याद रखेगा, सीधा बोल देते हैं 1 महीने में पूरा करता है, यानी कि 30 दिन में, 15 दिन तक घटता है, 15 दिन तक, और 15वें दिन वो पूरा गायब हो जाता है। उसके बाद में फिर वो बढ़ना शुरू होता है और फिर वो बढ़ता जाता है और 15वें दिन पूरा गोल हो जाता है। अब जिस दिन वो गायब हो जाता है, याद रखने की चीज है ये, 1 नंबर में भी आ जाता है कभी कभी क्वेश्चन इसमें से। मैंने जो जो लाइनें लिखी है वो अच्छे से पता होनी चाहिए आपको इन क्वेश्चन की। अब जो है यहाँ पे 15वें दिन जब गायब हो जाता है उसको बोलते हैं हम अमावस्या। पूछ सकते हैं ऐसे ही कि अमावस्या किसे कहते हैं, आपको पता होना चाहिए जब चंद्रमा गायब हो जाता है उसको अमावस्या कहते हैं, यानी कि जो हमारे बड़े बुजुर्ग है वो इसको मोस बुलाते हैं। अब जो है वैसे ही 15वें दिन जो है चांद पूरा गोल हो जाता है, पूरा दिखाई देता है, जिसको हम पूर्णिमा कहते हैं, जिसको बड़े बुजुर्ग पूर्णमासी बुलाते हैं। अगर आपके घर परिवार में होंगे तो आपको पता होगा, थोड़ा बहुत सुना होगा आपके परिवार में से। चलो कोई बात नहीं, नहीं सुना तो अच्छी बात है, और जिसने सुना है मुझे बताना जरूर से कमेंट में। अब अगला प्रश्न देखो, धूमकेतु क्या होते हैं? धूमकेतु धूम मचाले करने आते हैं ये, बिल्कुल से। और इसमें क्या होता है, ये भी सौर परिवार का हिस्सा होते हैं, एक लंबी सी पूंछ होती है, और ये जो है ना बाहर कहीं से, मतलब हमारे जो ग्रह हैं 8 ग्रह हैं, तो इनसे बाहर से कहीं से पत्थर घूमता हुआ आ जाता है, या फिर हो सकता है बीच में जो क्षुद्र ग्रह पट्टी है उसमें से धूमकेतु निकल के आ जाए, तो वो काफी दूर पड़ती है सूरज से, जिस वजह से वहां पे बर्फ जमी रहती है, मतलब बर्फ गैसों वैसों की कुछ भी हो सकता है। और जैसे ही वो सूरज के पास आता जाता है तो उसमें से जो है वो बर्फ पिघलनी शुरू हो जाती है और एक लंबी सी पूंछ बनती है, वो पूंछ हमें दिखाई पड़ती है, मतलब अंतरिक्ष में जा रहा होता पत्थर कहीं भी, तो उसको हम बोलते हैं धूमकेतु। तो धूमकेतु की लंबी पूंछ होती है, यह पूंछ बर्फ के पिघलने की वजह से बनती है, जो काफी लंबी होती है। अब तक जो है ना धूमकेतु में देखा गया कहीं कहीं किलोमीटर लंबी पूंछ होती है, आप सोच के देखो कितना सारा बर्फ पिघल रहा होता होगा उसमें। अब यह है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उल्काएं उल्कापिंड में क्या अंतर होता है? अंतर पता होना चाहिए, देखो दोनों की दोनों चीजें होती है पृथ्वी के अंदर, अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। धूमकेतु जो है ना पृथ्वी के अंदर नहीं आता, अगर कोई धूमकेतु पृथ्वी के अंदर आता है तो उसको हम या तो उल्का बुलाएंगे या उल्का पिंड बुलाएंगे, ठीक है? अगर पृथ्वी से बाहर है कोई पत्थर तो उसको हम बुलाएंगे धूमकेतु। अब जो है उल्का और उल्का पिंड में फर्क क्या होता है? उल्काएं हमारे, आपको नहीं पता, आपको एक मतलब एवरेज सा आइडिया दे देता हूं कि हर रोज डेली जो है लगभग 2-3 करोड़ या फिर उससे भी ज्यादा जो है पत्थर आसमान में पृथ्वी के अंदर प्रवेश करते हैं बाहर से। और जो पत्थर आ रहे होते हैं ऐसा तो है नहीं कि मतलब ऐसा गोले बरसेंगे आपके ऊपर, आपने फिल्मों में सीन देखे होंगे, ऐसा नहीं होता। जो ऊपर हवा है हमारी, बहुत सारी गैसें हैं, तो वो जैसे ही नीचे आते जाते हैं पत्थर, तो वो जलना शुरू कर देते हैं और वो खत्म हो जाते हैं। लेकिन कुछ पत्थर इतने बड़े होते हैं कि वो मानते ही नहीं है कि हवा में मतलब हम कैसे खत्म हो जाए ऐसे, तो वो क्या करते हैं, वो सीधे आते हैं और पृथ्वी में आके टक्कर मार देते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत धमाका हो जाता है। लेकिन पत्थर जो आते हैं बहुत काफी लंबी दूरी आग में बिता के आते हैं, तो इसकी वजह से वो आते आते बहुत छोटे हो जाते हैं, जिससे ज्यादा हानि नहीं होती। लेकिन अगर काफी बड़ा पत्थर आता है तो बहुत ही ज्यादा बड़ा धमाका या दुर्घटना भी हो सकती है। तो जो भी है वो हम बाद की बात है, लेकिन जो पत्थर ऊपर से पृथ्वी के अंदर गिर जाते हैं, जमीन पे गिर जाते हैं, उनको हम बोलते हैं उल्का पिंड, और जो ऊपर ही नष्ट हो जाते हैं उनको बोलते हैं उल्काएं। तो ये था छोटा सा डिफरेंस जो आपको पता होना चाहिए। उल्काएं बहुत सारी आती है, लाखों की संख्या में आती है रोज, लेकिन उल्का पिंड बहुत ही कम है जो जमीन तक पहुंच पाते हैं। आपने जो है कभी ना कभी आसमान में टूटता तारा जरूर देखा होगा, तो वो जो टूटते तारे होते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं उल्काएं, जिनकी एक चमकीली सी पूंछ आपको दिखाई पड़ती है आग जलने की वजह से। तो ये थे क्वेश्चन आंसर, और उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन आंसर समझ में आए होंगे। कहीं कोई डाउट लग रहा है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 8, 9, 10, 11 और 12th क्लास की सभी सब्जेक्ट्स की वीडियोस। और हाँ, ये आर्टिकल जो है इसका लिंक मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, और इसके बाकी के पार्ट्स हैं। और हाँ, मैंने जो है ना साइंस, मतलब साइंस बोल रहा हूँ, विज्ञान की जो पुस्तक आपकी वो कंप्लीट करवा रखी है, सभी चैप्टर पढ़ा रखे हैं बहुत ही अच्छे से, आपको सारे चैप्टर समझ में आ जाएंगे। आप जो है डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, मिल जाएंगे आपको सारे के सारे चैप्टर। अगर आपको किसी चैप्टर में डाउट बचा हुआ है तो अपने डाउट्स को अभी क्लियर कर लीजिए, क्योंकि बाद में शायद मौका आपको ना मिले।